उधर 29 दिसंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस के कोटे से कम दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने की पूरी संभावना है, लेकिन इन सब के बीच एक पेच भी विधानसभा अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम पद पर फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री तय होने के बाद अब सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पद है। अब डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चाओं का जोर तेज है। कांग्रेस इस पद के लिए भले ही दावे ठोक रही हो, लेकिन यहां भी जातिगत समीकरण अड़चन है। कुल मिलाकर कांग्रेस से तीन लोगों के नाम इन तीन जगहों पर सेट करने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इन लोगों में रामेश्वर उरांव के साथ साथ विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये कि कांग्रेस जातिगत समीकरण को साधना चाहती है। इसके तहत मुख्यमंत्री के आदिवासी बिरादरी होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष दूसरी बिरादरी से होगा। कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नाम पर भी किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन इससे कांग्रेस का जातिगत समीकरण फिट नहीं बैठ रहा। इस तरह आदिवासी, राजपूत और मुसलमान के जातिगत समीकरण को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाकर कांग्रेस सभी वर्गों को संदेश देने में सफल हो पाएगी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कांग्रेस के सीनियर नेता तैयार होते नहीं दिख रहे। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और जूनियर लोगों को ये जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती। ऐसे में नई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस का एक गुट पार्टी छोड़कर जेएमएम से चुनाव लड़ने वाले सरफराज अहमद की पैरवी कर रहा है। सरफराज लंबा समय कांग्रेस में बिता चुके हैं और उनसे कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होगी। कांडे से लगातार चुनावी तैयारी कर रहे सरफराज अहमद चुनाव से पहले थोड़े निराश जरूर हुए जब बताया गया कि गठबंधन के तहत कांडे सीट जेएमएम के खाते में जा रही है। इसके बाद उन्होंने जेएमएम में शामिल होकर चुनाव लड़ा और जीत कर आए। उनके अध्यक्ष बनने को लेकर चल रही चर्चाओं के पीछे जातिगत समीकरण को कारण बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वरीय होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष की पहली पसंद है, लेकिन उनका मन इस पद के लिए नहीं मान रहा। उनके करीबी नेताओं की माने तो इस प्रकार के ऑफर को वो आराम से ठुकरा देंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की ओर से कम दो मंत्रियों के शपथ लेने की बात कही जा रही है। हालांकि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस चुनाव में कम सीनियर लोगों के जीतने के कारण अभी रेस में कम लोग ही शामिल हैं। इसके अलावा पहली बार जीते नेता अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे। प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए चेहरे की तलाश की जाएगी। समझा जा रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किसी भी हाल में सत्ता का हिस्सा होंगे और वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले के तहत उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। ऐसे में पांच कार्यकारी अध्यक्षों में से किसी एक को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है या किसी नए व्यक्ति की तलाश भी की जा सकती है। संभवतः जनवरी में ये बदलाव संभावित है, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गठबंधन में किस फॉर्मूले के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष डिप्टी सीएम का चुनाव होगा और किसकी दावेदारी इन पदों के लिए सबसे मजबूत है। टीम राजनीति।